रिक्वेस्ट करेंगे माता की। आज हमारे बीच में सहकार से समृद्धि की ओर पूरे भारत को ले जाने वाले जिन्होंने अपना जीवन सहकारिता आंदोलन से किया, माननीय गृह मंत्री जी आज हमारे बीच में आए, मैं ताली बजाकर सबसे अभिवादन करने के लिए आग्रह करता हूं। साथियों, इस देश में सहकारी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसमें देश के किसान, मजदूर, नौजवान और माता बहनों के जीवन, सामाजिक और आर्थिक जीवन को परिवर्तन करने का काम किया है। और इसीलिए सहकारी आंदोलन को देश के हर राज्यों में पहुंचाना और सहकारी आंदोलन के माध्यम से समाज के जीवन में परिवर्तन करने का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने लक्ष्य बनाकर काम किया है। और आज मुझे खुशी है कि सहकारिता आंदोलन के माध्यम से जहां गांव में बैठा किसान उसके जीवन को आर्थिक परिवर्तन करने का काम किया तो सहकारी आंदोलन ने किया। पहले जब किसान खेती करता था तो कर्ज में पैदा होता था और कर्ज में डूब जाता था, लेकिन यह सहकारी आंदोलन है जिसने 0% पर ऋण देकर किसान को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। और देश में कई राज्य है, उसमें गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर 0% पर कोई लिमिट नहीं है। आप जितना पैसा फसल के हिसाब से लेना चाहे उतना पैसा अगर मिलता है तो सहकारिता के माध्यम से देश में गुजरात में मिलता है। आज गुजरात के अंदर चले जाओ, वहां के पशुपालों की जिंदगी पलटी है। एक डेयरी, अमूल डेयरी के माध्यम से लोगों के जीवन को परिवर्तन करने का काम किया है। इसलिए किसान आंदोलन हो, चाहे श्वेत क्रांति हो, चाहे मत्स्य क्रांति हो, हर किसान के जीवन और आर्थिक जीवन परिवर्तन करने में सहकारिता आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे बीच में महिलाएं बैठी है, इन महिलाओं को गांव में दो हाथ से काम करने का, दो टाइम की रोटी का इंतजाम हो सकता है तो सहकारी आंदोलन से हो सकता है। इसलिए गांव में मेरा आपसे आग्रह, सहकारिता आंदोलन को बढ़ाने के लिए हमें गांव-गांव के अंदर फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना चाहिए। हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान हैं और छोटे छोटे किसानों को एक साथ सम्मिलित खेती करेंगे और आने वाले समय में दिल्ली बम्बई कॉरिडोर से इस गंगापुर का किसान, सवाई माधोपुर का किसान सुबह फल उगाएगा, सब्जी उगाएगा और दिल्ली और बम्बई के मार्केट में बेचाने का काम करेगा तो आर्थिक स्थिति बदलने का काम करेगा। इसलिए आज मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, भारत में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सहकारिता विभाग बनाकर सहकारिता के माध्यम से लोगों के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का जो लक्ष्य बनाया है, अमित शाह जी ने जो गांव-गांव के अंदर जो हमारी ग्राम सेवा सहकारी समिति है उस ग्राम सेवाकारी समिति को स्वावलंबन बनाकर गांव के अंदर ही एक ग्राम सेवाकारी समिति फैक्स के अंदर सारी सुविधाएं एक छत पर मिल जाए, किसी किसान, मजदूर, बहन, नौजवान को परेशान न होना पड़े, ये आने वाले समय में हो रहा है। और इसीलिए सहकारिता के अंदर अगर भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, सहकारिता में पारदर्शिता लानी है, सहकारी का कुप्रबंध लाना है तो एक ऐसे राज्य को लाओ जो सहकारिता आंदोलन में पारदर्शिता ला सके और आने वाले समय के अंदर राजस्थान के किसानों को 0% पर बिना लिमिट के ऋण मिल सके, तब भारत के अंदर और राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की ताकत बढ़ेगी। आज यहाँ बड़ी संख्या में आए, मैं सभी किसान भाइयों को, इफको के चेयरमैन साहब को और सभी नेता को और विशेष रूप से
सहकारिता के प्रति जो समर्पण भाव है उसके लिए मैं अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि दूर दराज में आके आंदोलन सहकारिता आंदोलन को बढ़ाने में योगदान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।